चलो लेकर चलो की पिछले से और उनके मैंने बुद्धा गीता एवरीथिंग आई रेड ऑल द स्क्रिप्चर्स कुरान बाइबल एवरीथिंग. तो आई थिंक ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जैसे विवेकानंद ने कहा है कि आप किसी को पैसे का दान मत दीजिए, आप प्रभावित रही हूँ बहुत ही छोटी उम्र से, और उनके सारे जितने भी उनकी किताबें हैं या उनकी जितनी भी टीचिंग्स हैं, मैं मेरा ये मानना है कि अगर मेरी सफलता का कोई कारण है जो एक प्रोफेशनल लेवल पे जो लोगों को सफलता दिखाई देती है, वो तो बहुत ही छोटी एक माइनर सफलता है, लेकिन मैं पर्सनल लेवल पे खुद को बहुत ही सक्सेसफुल एक लड़की मानती हूँ, क्योंकि आई थिंक मैंने ज़िंदगी में जितना बुरा वक्त देखा है या स्ट्रगल देखा है और जितना अंधकार देखा है, उससे मुझे विवेकानंद ने ही, उनकी टीचिंग से ही करके मैं बाहर आई हूँ. और आज मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि मैं लोगों को चाहती हूँ कि वो जाने कि विवेकानंद हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो गए, चाहे बुद्धा हो गए, ये सब जो है बहुत ही अंडररेटेड है. हमारे देश में कोई इन चीज़ों की सहायता नहीं लेता है. यहाँ इतनी बड़ी लाइब्रेरी है, मैं कभी कभी आती हूँ, कभी किसी युवा को नहीं देखा यहाँ पर भूले भटके आ जाए. तो मैं चाहती हूँ कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस हो कि किस तरह से इन चीज़ों को एज अ माध्यम की तरह यूज़ किया जा सकता है और एक बेहतर ज़िंदगी, चाहे दूसरों के लिए ना भी करें, अपने लिए बहुत अच्छी ज़िंदगी जी जा सकती है. जी मैं एक तो एक प्रोफेशनल, उसके लिए आई थिंक कर्म योग जो है, साइंस ऑफ एक्शन, उन्होंने जो कर्म के जो एक गूढ़ रहस्य हैं जिसके द्वारा आप अपार सफलता को पा सकते हैं, वो बहुत ही प्रभावित कर देने वाले हैं. तो मैं सबसे ये निवेदन है मेरा कि वो छोटी से एक बड़ी बुक भी मिलती है, छोटी भी मिलती है, तो अगर वक्त मिले तो ज़रूर वो पढ़िएगा. मैंने ऐसा कोई स्पीच जी, तो उनके लिए मैंने ये इस तरह से, मैं कुछ अपने एक्सपीरियंसेस, कुछ अनुभव कि उन्होंने मुझे कैसे, मेरी ज़िंदगी को कैसे प्रभावित किया, और जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे साथ जो हादसे हुए उनके करके मेरी मानसिकता ऐसी हो गई थी कि जीवन से तो तंग हो जाना, एक तरह से रुचि खो देना जीवन में. तो उनकी टीचिंग से और उनके थ्रू मैंने बुद्धा गीता एवरीथिंग आई रेड ऑल द स्क्रिप्चर्स कुरान बाइबल एवरीथिंग. तो आई थिंक ये जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है, जैसे विवेकानंद ने कहा है कि आप किसी को पैसे का दान मत दीजिए, आप किसी को कोई और दान मत दीजिए, किसी को आप खाना मत दीजिए क्योंकि भूख तो फिर से लग जाती है, लेकिन जो विद्या का ज्ञान है वो किसी से कभी कोई छीन नहीं सकता या वो खत्म नहीं होता है. दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट. अरे यार पीछे में पीछे सामने राइट पे सामने आराम से
बाद।